हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है और इसके मैकेनिज्म को जानना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर इस मॉडर्न जमाने की मशीनें इसी बेस पे काम कर रही हैं, जैसे गाड़ी में ब्रेक, स्टेयरिंग, पावर जैक, ईटीसी। लेकिन जब जेसीबी और क्रेन में लगे इन सिलेंडरों को हम देखते हैं तो मन में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर काम कैसे करता है और इतने हैवी हैवी वेट को कैसे उठा लेता है, क्योंकि इंजन में तो इतनी पावर होती नहीं। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए वीडियो में बने रहे लास्ट तक। जिनको नहीं पता है उनको आज बड़ी गजब की जानकारी देंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सिस्टम में काम करता है पास्कल लॉ। अब इस पास्कल लॉ को समझने के लिए हम लेते हैं दो सिलेंडर, जो कि एक छोटा है और एक बड़ा है। अब इन दोनों को एक पाइप की मदद से जोड़कर इसमें आयल भर देते हैं, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और इन दोनों सिलेंडरों में पिस्टन लगे हैं। अब पास्कल लॉ कहता है कि हम जितना बल इस छोटे पिस्टन पर लगाएंगे तो इसमें भरा आयल उतना ही बल इस बड़े वाले पिस्टन पर लगाएगा। अब प्रेशर का एक फार्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इस फार्मूले को हम थोड़ा आसान करते हैं। यह जो इधर वाला छोटा वाला सिलेंडर है, इस पर मान लिया हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं, तो 10 न्यूटन को छोड़ो, मान लो हम 10 किलोग्राम का वजन इस छोटे पिस्टन पर रख देते हैं। तो इधर छोटे वाले पिस्टन पर जब 10 किलोग्राम जितना फोर्स लग रहा है, तो इस पिस्टन का कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, और ये छोटा पिस्टन तो इसका एरिया भी छोटा होगा। तो मान लेते हैं इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो अब हम इस फार्मूले से प्रेशर निकालेंगे। इसे निकालने के लिए हम फोर्स की वैल्यू और एरिया की जगह एरिया की वैल्यू रख देंगे। अब इसे जब हम काट पीट कर सॉल्व करेंगे तो हमें प्रेशर की वैल्यू प्राप्त होगी, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। है ना एकदम आसान। चलो अब बड़े वाले सिलेंडर पर आते हैं। हमारे पास आया प्रेशर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब पास्कल लॉ तो यही कहता है कि ये 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर बड़े वाले सिलेंडर पर भी लगेगा। तो इसी फार्मूले में प्रेशर को रख लेते हैं, प्रेशर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अब यदि सिलेंडर बड़ा है तो इसका एरिया भी बड़ा होगा, तो मान लेते हैं इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। अब इस फार्मूले के हिसाब से आप मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर कितना वेट रखूँ ताकि मेरा प्रेशर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाए। तो एकदम सिंपल सी बात है कि 50 रखूँगा तो 50 / 10 और 5 आ जाएगा, जो कि वही सेम टू सेम 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर प्राप्त हो जाएगा। ये तो गजब हो गया। मैंने छोटे वाले सिलेंडर पर फोर्स लगाया था 10 किलोग्राम, और मुझे बड़े वाले सिलेंडर पर फोर्स मिल रहा है 50 kg का। यानी मेरे हाइड्रोलिक सिस्टम ने 10 किलोग्राम वजन से 50 किलोग्राम वजन उठा लिया। बस मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ एरिया को बढ़ाया, जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ गई। अब इस बड़े सिलेंडर का जितना एरिया बढ़ाओगे उतनी ही इसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब यही सिलेंडर किसी मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाता है तो वह कैसे काम करता है। तो इस मैकेनिज्म को जारी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे ऑयल टैंक, दूसरा पंप, और इस पंप को रोटेट करने के लिए मोटर या इंजन की आवश्यकता होती है। अब जब ये पंप घूमना शुरू करता है तो ऑयल को इन पंप के जरिए धीरे धीरे ऊपर प्रेशराइज करता है और ऑयल ऊपर उठने लगता है। लेकिन जब लीवर न्यूट्रल होता है तो दोनों वाल्व बंद होते हैं, और जब यहाँ प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो नीचे वाली प्रेशर रिलीजिंग वाल्व खुल जाती है और ऑयल वापस टैंक में चला जाता है, जिससे पाइप फटने का चांस खत्म हो जाता है। लेकिन जब लीवर अप करेंगे तो ए और बी दोनों वाल्व खुल जाएंगे, नीचे की पीएनआर बंद हो जाएगी, जिससे पंप जब ऑयल को प्रेशराइज करेगा तो वह ऊपर जाएगा और ए वाल्व के जरिए सिलेंडर तक पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद प्रेशर की वजह से वह पिस्टन को उठाता है, और आखिरी तक उठाने के बाद ऑयल फिर से दूसरी पाइप के जरिए ऑयल टैंक में आ जाता है। तो इस तरह से पिस्टन सिलेंडर के बाहर निकलता है, और ठीक जब हम इस लीवर को डाउन करेंगे तब इस केस में प्रेशर के सामने बी वाल्व आ जाएगी, और ऑयल जब उठता है तो वह बी वाल्व के जरिए सिलेंडर तक पहुंचता है और पिस्टन को डाउन कर देता है। पिस्टन पूरा डाउन होने के बाद ऑयल दूसरी पाइप ए के जरिए वापस टैंक में चला जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म काम करता है, और इसके पीछे महान वैज्ञानिक पास्कल का नियम काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हाइड्रोलिक सिस्टम को लेकर आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।